हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन एकेडमी। कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के PYQs करने वाले हैं, ठीक है। जो ऐसे है PYQs जो ज्यादातर रिपीट हुए हैं या जिन कंसेप्ट से ज्यादातर आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के 10-15 जो है PYQs करेंगे। एंड तक वीडियो देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इज माई कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कोर्स जो है ये मेरा चल रहा है अन अकेडमी प्लस पर। सो आप भी एनरोल कर सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं पेपर वन एंड पेपर टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल एजुकेटर जो है मिलते हैं अगर आप अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये 21 सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड होंगे, ठीक है। दो तरह की सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आपके सामने खुलते हैं जब आप अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। प्लस सेट आइकनिक, आइकनिक के फीचर्स थोड़े से प्लस से ज्यादा है। इसमें आपको पर्सनल कोच भी मिलता है एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसमें आपकी होती है। प्लस सब्सक्रिप्शन जो है इसका फी स्ट्रक्चर देख लीजिए, 24 मंथ्स के लिए अगर आप लेते हैं तो 20,000 जो है टोटल है, 833 पर मंथ, नो कॉस्ट EMI पर पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मेरा रेफरल लगाते हैं Simmer10, देन यू विल गेट इंस्टेंट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन। इसके आगे चलते हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन का फी स्ट्रक्चर 12 महीनों की अगर बात करें 26,000 टोटल है, जिसमें आपको 2,167 पर मंथ देना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी मेरा कोड यूज करते हैं देन यू विल गेट इंस्टेंट 10%, ठीक है। ये बैच कोर्सेज हैं जो आपको एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में ये सारे बैच कोर्सेज भी आपको साथ में ही प्रोवाइड होते हैं, ठीक है जी। प्राइस जो है हाइक होने वाला है, सो इससे पहले के प्राइस हाइक हो अपनी सब्सक्रिप्शन इंश्योर कर लीजिए। चलते हैं हम रिसर्च एप्टीट्यूड की तरफ। सो रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज नियरर टू द साइंटिफिक मेथड। अनुसंधान चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक पद्धति के निकट है। सजेस्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, रिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सोल्यूशन, परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन एंड लोकेशन ऑफ द डिफिकल्टी एंड टेस्टिंग द सोल्यूशन। सेकेंड वाला है इसका, परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, हिपोथेसाइजिंग, रिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सजेस्टेड सोल्यूशन एंड टेस्टिंग द हिपोथेसिस इन एक्शन। सी वाला है डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग ए पॉपुलेशन, ड्रॉइंग ए सैंपल, कलेक्टिंग डाटा एंड एनालिसिस रिजल्ट्स। डी वाला है आइडेंटिफाइंग द कॉजल फैक्टर्स, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग ए हिपोथेसिस, Collecting a sample, collecting data and arriving at generalization and conclusion. तो इसने scientific जो है method पूछा है। Scientific method में क्या होता है, सबसे पहले हम perceive करते हैं problem के situation को, उसे समझते हैं, ठीक है। Then actual problem और उसकी definition को locate करते हैं, उसका पता करते हैं। Hypothesizing मतलब hypothesis set करते हैं। Then suggested solution के consequences deduce करते हैं and last step में हम hypothesis को test करते हैं। बी ऑप्शन इसका एकदम ठीक है, बाकी ऑप्शन ठीक क्यों नहीं थे? साइंटिफिक मेथड उसने पूछा था, ये तो वैसे ही करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सोल्यूशन पहले नंबर पर आ गया, कभी भी सोल्यूशन पहले नंबर पर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट नहीं हो सकता डी वाला, क्योंकि इसमें आपका हाँ प्रॉब्लम बाद में डिफाइन की, कॉजल फैक्टर्स आ गए। ये जो है सी वाला ये करेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि साइंटिफिक मेथड की बात हुई है और यहाँ पे कहीं भी उन्होंने हिपोथेसिस टेस्ट करने की बात कही ही नहीं है, है ना। साइंटिफिक मेथड में हिपोथेसिस टेस्ट होता है, so that's why B is the correct answer, yeah? Next question आपके सामने, what are the characteristics features of quantitative research paradigm? मात्रात्मक अनुसंधान प्रतिमान की विशिष्ट विशेषताएं क्या है। स्पेशल क्लासेज अन अकेडमी की जो स्पेशल क्लासेज होती हैं फ्री वाली, उसमें मैंने आपको कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड करवाया है, उसकी एक वीडियो करवाई है 2 घंटे की रिसर्च एप्टीट्यूड की। उसमें मैंने आपको सारा जारे जो ये मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको नहीं समझ तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इट इज हाइपोथेटिक और डिडक्टिव, ये काल्पनिक निगमनात्मक है। इट इज फोकस्ड ऑन नेचुरल सेटिंग्स या प्राकृतिक सेटिंग्स पर केंद्रित है। इट लेस स्ट्रेस ऑन जर्नलाइजेशन थ्रू द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जनसंख्या विशेषताओं के सामान्यकरण पर बल देता है। इट एम्फेसिसाइज न्यूमेरिक डाटा फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आएगा यहाँ पे, फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है।
ये बड़ी संख्या में से संख्यात्मक डाटा पर जोर देता है। इट सेज दैट द लिटरेचर रिव्यू प्लेज ए माइनर रोल पीपल बट ये पीपल यहाँ नीचे लिख रही है ना। इट सेज दैट द लिटरेचर रिव्यू प्लेज ए माइनर रोल बट जस्टिफाइड अ प्रॉब्लम। ठीक है, यह कहता है कि साहित्य समीक्षाओं की एक छोटी भूमिका है निभाती है लेकिन समस्या को सही ठहराती है। तो इसमें से क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में क्या कोलेक्ट हो सकता है? ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में फर्क समझाऊं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इट इज ए हाइपोथेटिको डिडक्टिव, डिडक्टिव होती है। डिडक्टिव का क्या मतलब है? फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, ठीक है, जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जाना। इट लेज स्ट्रेस ऑन जर्नलाइजेशन टू द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की जर्नलाइजेशन पर यह बल देती है। एंड इट एम्फेसिस न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा लार्ज नंबर ऑफ पीपल, न्यूमेरिक डाटा ये कलेक्ट करती है और उसको एनालाइज करती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, इसमें क्या करते हैं हम, डाटा स्मॉल लेते हैं लेकिन उसकी डेप्थ में जाते हैं, जैसे केस स्टडी होती है। ठीक है, डाटा चाहे स्मॉल लो कम लो लेकिन उसे पूरी तरह से गहराई से पढ़ो, वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डाटा लार्ज ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा लार्ज डाटा, डाटा लार्ज ले लेते हैं लेकिन इतना डीपली नहीं जाते। ठीक है, सो इट एम्फेसिस न्यूमेरिक डाटा, ये ठीक रहेगा आपका। एंड इट लेज स्ट्रेस ऑन जनरलाइजेशन टू द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच जो है वो होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द रिसर्च मेथड विच फोकसेस ऑन एस्टैब्लिशिंग कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल अमंग वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट मॉडरेटर एंड डिपेंडेंट इज कॉल्ड, ऐसा रिसर्च मेथड जो फोकस जो चर स्वतंत्र मॉडरेटर और आश्रित के बीच नियंत्रण के साथ कारण संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है कहलाती है। इन सभी वेरिएबल्स में जो कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है वो कौन सा रिसर्च मेथड है, ये पूछा। ठीक है, सो द आंसर इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वही जो है इन वेरिएबल्स में विद कंट्रोल अमंग इन वेरिएबल्स में कॉजल रिलेशनशिप जो है उस पर फोकस करती है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, इसमें हम कुछ कंट्रोल वेरिएबल्स रखते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रोल वेरिएबल्स रखते हैं। उसने कहा रिसर्च मेथड विच फोकस ऑन एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप विद कंट्रोल अमंग वेरिएबल्स। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम कुछ वेरिएबल्स पर कंट्रोल रखते हैं। कौन से होते हैं ये वेरिएबल्स, देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे कि मान लीजिए आपने एक मेडिसिन जो है वो बनाई। ठीक है, एक मेडिसिन बनाई आपने एज ए रिसर्चर। अब वो मेडिसिन लोगों पर इफेक्टिव है या नहीं है ये आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे, दो ग्रुप्स में डाटा को बांट लेंगे, एक कंट्रोल वेरिएबल्स रख लेंगे और दूसरे जो है वो नहीं कंट्रोल, उस पर आपको रिसर्च करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब ये जो बीमार लोग हैं, ठीक है, उनको वो मेडिसिन नहीं दी, और ये जो बीमार लोग हैं दूसरे डाटा वाले, इनको आपने ये मेडिसिन दे दी। तो अब आपने देखना है क्या इन लोगों को जिनको आपने कंट्रोल रखा, जिनको आपने मेडिसिन नहीं दी और जिनको आपने दी, इनमें कोई फर्क हुआ, समझिए। अब आपको अगर इनमें फर्क होगा तो क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे बिकॉज देयर इज डिफरेंस। ठीक है, अगर फर्क नहीं हुआ देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है आपका वो रिजेक्ट होगा, मीन्स आपका जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड। आगे, विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिकल नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी, गतिविधियों का कौन सा समूह क्रिया अनुसंधान रणनीति की चक्रीय प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो दिस इज मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन, ये बहुत रिपीट हुआ है एग्जाम में। सबसे पहले हम एक्शन रिसर्च में प्लान करते हैं, देन एक्ट करते हैं, देन ऑब्जर्व करते हैं, देन रिफ्लेक्ट करते हैं, योजना बनाते हैं, अधिनियम, निरीक्षण एंड प्रतिबंध प्रतिबिंब। ठीक है, तो बहुत बड़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर थिंकिंग नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल ग्रेटर, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सोचने की क्षमता रचनात्मक और आलोचनात्मक को अधिक पोषित करती है। इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें हमारी क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो ज्यादा होती है, रिसर्च समरी प्रिपेयर करने में, एक सेमिनार पेपर प्रिपेयर करने में, प्रेजेंट करने में, या रिसर्च कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने में, या एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने में।
ओके, सो इसका आंसर इज डी। एक वर्कशॉप में जो पार्टिसिपेशन है वो आपका क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकली वो चीज करके देखते हैं। वर्कशॉप में प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, इसमें क्या है कि आप पूरी रिसर्च प्रोसेस को एक डिटेल में लिखते हैं, वो रिसर्च समरी है। अपने सेमिनार पेपर, मतलब जो आपने रिसर्च पेपर लिखा है उसे एक सेमिनार में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं, उसमें तो बैठ के सुनेंगे, है ना। जब आप वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने दिमाग से का ज्यादा काम लेते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को करके देखते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप इज मोर, हैज मोर क्रिएटिव एंड क्रिटिकल लेवल ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद व्हिच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। शोध नैतिकता की समस्या का संबंध अनुसंधान गतिविधियों के किस पहलू से है। फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस, डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्ट। ओके, तो रिसर्च एथिक्स, बहुत बार मैंने टॉपिक आपको समझाया हुआ है। रिसर्च एथिक्स का इनमें से अगर देखें क्या, कौन सी गतिविधि से, कौन से एस्पेक्ट से रिसर्च एथिक्स जुड़ा हुआ है। देखिए, जो थीसिस का फॉर्मेट है ये कभी भी रिसर्च एथिक्स से नहीं जुड़ा होता। अगर मान लीजिए आप गलती से थीसिस का फॉर्मेट गलत लिख देते हैं तो डेट इज ह्यूमन एरर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रिसर्च एथिक्स की उल्लंघना कर दी, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद रिसर्च। डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव, इसमें भी कोई मतलब आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आपने क्वालिटेटिव टेक्निक लेनी है या क्वान्टिटेटिव टेक्निक लेनी है, इसका रिसर्च एथिक्स से कोई लेना देना नहीं। रिसर्च की पॉपुलेशन को डिफाइन करना, इसका भी एथिक्स से कोई लेना देना नहीं। एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, मतलब जो आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो अपने रिसर्च की, उसमें सबूत होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, उसमें फाल्सिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, फैब्रिफिकेशन नहीं होनी चाहिए और प्लैगरिज्म नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीजें रिसर्च एथिक्स को भंग करती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज फाल्सिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन, ठीक है, झूठी बातें लिख देनी, फैब्रिफिकेशन, उनको तोड़ मरोड़ के लिख देना अपनी तरफ से मॉडिफाई करके, या फिर प्लैगरिज्म, मतलब किसी का डाटा चोरी, ठीक है, मतलब साहित्य चोरी, डाटा को चोरी करना, उसको क्रेडिट दिए बिना अपने रिसर्च पेपर में उसका डाटा अपने पेपर में ऐड करना, दैट इज प्लैगरिज्म, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर, ये तो वही आ गया है ना, रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। व्हाट इज यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड में स्टेप्स की सीक्वेंस आपको बतानी है। वैज्ञानिक पद्धति में चरणों का सामान्य क्रम क्या है? हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, एक मिनट रुक जाओ, जिनको देखना, हाँ यही है, फेल्ट नीड, जरूरत महसूस हुई जो समस्या पैदा कर रही है, आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, कठिनाई की पहचान करना और समस्या का विवरण तैयार करना, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डाटा विश्लेषण और व्याख्या, कलेक्टिंग ऑफ डाटा यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च टूल्स, उपयुक्त शोध उपकरणों का उपयोग करके डाटा का संग्रह। तो इसमें यूजुअल सीक्वेंस क्या होनी चाहिए साइंटिफिक मेथड में, क्या स्टेप्स इसके होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि रिसर्च में आप अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, है ना, तो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी, जो प्रॉब्लम है वो कितनी डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसका विवरण, मतलब उसको अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करते हैं, ये स्टेप आएगा। उसके बाद हिपोथेसिस मेक, जस्ट टेस्ट नहीं करना, हिपोथेसिस टेस्टिंग एंड में होती है, सेटिंग ऑफ हिपोथेसिस, मेकिंग ऑफ हिपोथेसिस पहले दूसरे तीसरे स्टेप पे आता है, टेस्टिंग जो है वो एंड में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसके बाद हिपोथेसिस तैयार करेंगे, देन डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एंड में डाटा को एनालिसिस करेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन देंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हिपोथेसिस इन हिज और हर रिसर्च, व्हाट इम्प्लीकेशंस विल इट कैरी फॉर हिज हर प्रिंसिपल रिसर्च हिपोथेसिस। एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, उसकी प्रमुख शोध परिकल्पना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
एक्सेप्टिंग द रिसर्च हिपोथीसिस, मतलब कि वो नल हिपोथीसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गया तो रिसर्च हिपोथीसिस क्या होगा? रिजेक्टिंग द रिसर्च हिपोथीसिस, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द रिसर्च हिपोथीसिस, या इम्प्रूविंग द रिसर्च हिपोथीसिस? देखिए, मैंने ये कंसेप्ट आपको पहले लेक्चर में भी समझाया हुआ है कि अगर हमारा वैसे एम होता है नल हिपोथीसिस को रिजेक्ट करना, एक रिसर्चर का एम होता है कि वो रिसर्च हिपोथीसिस को एक्सेप्ट करे और नल हिपोथीसिस को रिजेक्ट करे हमेशा। जैसे मैंने पीछे आपको मेडिसिन वाली एग्जांपल दी थी, तो एक रिसर्चर तो यही चाहेगा ना कि मेरी मेडिसिन पेशेंट्स पे फर्क डाले। फर्क डाले मीन्स नल हिपोथीसिस रिजेक्ट होगा, फिर नल हिपोथीसिस का मतलब है डिफरेंस नहीं है, और नल हिपोथीसिस रिजेक्ट करने का मतलब है कि डिफरेंस है, ठीक है। सो अगर नल हिपोथीसिस रिजेक्ट होने में फेल हो जाता है जो रिसर्चर है, तो अल्टरनेटिव हिपोथीसिस एक्सेप्ट होगा, मतलब जो उसका रिसर्च हिपोथीसिस है वो अल्टरनेटिव, ठीक है, जो उसका रिसर्च हिपोथीसिस है वो एक्सेप्ट होगा। ए आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नल हिपोथीसिस को कभी भी हम ऐसे नहीं लिख दें कि एक्सेप्ट द नल हिपोथीसिस, हम या तो लिख देंगे रिजेक्ट या लिखेंगे फेल टू रिजेक्ट, क्योंकि नल हिपोथीसिस हमेशा रिजेक्ट करने के लिए होता है, ऐसा होता ही नहीं कि नल हिपोथीसिस एक्सेप्ट हो जाए। नल हिपोथीसिस एक्सेप्ट करने का टारगेट ही यही होता है कि उसे रिजेक्ट करना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई उसने डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं लिखा, फेल टू रिजेक्ट, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल गई मैं। रिजेक्टिंग द रिसर्च हिपोथीसिस, अगर एक रिसर्चर नल हिपोथीसिस को फेल रिजेक्ट करने में फेल हो जाए, मतलब नल हिपोथीसिस को एक्सेप्ट कर ले, तो रिसर्च हिपोथीसिस जो है वो रिजेक्ट होगा। तो अगर नल हिपोथीसिस एक्सेप्ट हो, मतलब रिजेक्ट नहीं हो, तो जो आपका रिसर्च हिपोथीसिस है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। दोबारा से समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका नल हिपोथीसिस एक्सेप्ट हो, ठीक है ना, तो आपका जो अल्टरनेटिव हिपोथीसिस है वो रिजेक्ट होगा। अगर नल हिपोथीसिस रिजेक्ट हो तो अल्टरनेटिव हिपोथीसिस एक्सेप्ट होगा, ये चीज हो, ठीक है। लेकिन कभी भी हम नल हिपोथीसिस को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं नॉट रिजेक्ट, ठीक है, नॉट रिजेक्ट। अब यहाँ पे फेल टू रिजेक्ट मतलब नल हिपोथीसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, तो नल हिपोथीसिस रिजेक्ट ना होने का क्या मतलब है कि अल्टरनेटिव हिपोथीसिस रिजेक्ट। बात क्लियर हुई ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फीचर क्या होगा? अवॉइड पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस एंड डाटा एनालिसिस, सब्सक्राइब्स टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, कलेक्ट्स डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यूजेस एम्पिरिकल मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव रिसर्च का आपको यहाँ पे फीचर बताना है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मैंने आपको पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म ये कंसेप्ट भी करवाए हुए हैं। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट, जो पॉजिटिविज्म है इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, जो जैसे है उसे वैसे ही लिखना। पोस्ट पॉजिटिविज्म में सब्जेक्टिविटी आती है कि जो आदमी है, ह्यूमन है, इंडिविजुअल है, वो अपनी मर्जी से अपना ओपिनियन दे सकता है, चीज़ों को बदल सकता है। जैसे कि आपके जो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो मेंस का पेपर होता है यूपीएससी का वो सब्जेक्टिव होता है, उसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो सब्जेक्टिव होता है, जिससे ह्यूमन जो है वो सच्चाई को बदल सकता है, वर्ल्ड कर सकता है। जो पॉजिटिविज्म है वो ऑब्जेक्टिव है, जैसे एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सबको पता है कोई इसको बदल नहीं सकता, ठीक है ना। सो ये ऑब्जेक्टिविटी ही तो है। तो जो पॉजिटिविज्म होता है वो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है दैट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म, एंड जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है दैट इज बेस्ड ऑन पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये तो आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल डाटा है वो तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा, है ना। तो इसमें से मेन फीचर क्वालिटेटिव रिसर्च का ये है कि पॉजिटिविस्ट अजम्पशन को अवॉइड करता है, क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है दैट बिलोंग्स टू पोस्ट पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवेल्युएटिव रिसर्च। मैचिंग्स करनी है, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इंपैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन, एंड रीचिंग टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो ध्यान से समझिए, फंडामेंटल, अप्लाइड, इन चारों की डेफिनेशन जो है वो क्या होगी? मौलिक अनुसंधान, हस्तक्षेप से कथित प्रभाव की सीमा का पता लगाना, सिद्धांत निर्माण के माध्यम से एक प्रभावी स्पष्टीकरण विकसित करना,
हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से मौजूदा स्थिति में सुधार, विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की संभावना तलाशना, तकनीकी संसाधनों को समृद्ध करना। देखिए जो फंडामेंटल रिसर्च है, दैट इज डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन, जैसे लॉ ऑफ डिमांड डेवलप किया, ये क्या फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें हम थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। थ्योरी बिल्डिंग इज अ फंडामेंटल रिसर्च, या एग्जिस्टिंग थ्योरी में कुछ चेंज करने, वो भी फंडामेंटल रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द थ्योरी, मतलब जो हमने फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी डेवलप की है उसे किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। हम लॉ ऑफ डिमांड को किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, दैट इज अप्लाइड। आपको पता है जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स एक होता है ना डेरिवेशन, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, याद है। इन दोनों में फर्क क्या होता है, डेरिवेशन एक कंसेप्ट है, फंडामेंटल रिसर्च मान लीजिए। अब जो उसकी एप्लीकेशन है, मतलब हम डेरिवेशन को कहाँ पे अप्लाई करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, है ना, जो जहाँ भी अप्लाई करते हैं वो क्या अप्लाइड रिसर्च, तो उस पर्टिकुलर थ्योरी को हम अप्लाई कहाँ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्शन रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च इज इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ एन इंटरवेंशन, मतलब हम सिचुएशन को इम्प्रूव करते हैं एक्शन के थ्रू, एक्शन लेके। एक्शन रिसर्च को हम ये भी बोलते हैं इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम क्या इमीडिएट सोल्यूशन होता है। Evaluative research is finding out the extent of perceived impact of an intervention, मतलब एक जो intervention है उसका impact क्या पड़ा, ठीक है, एक हस्तक्षेप के कथित प्रभाव की सीमा का पता लगाना, intervention की जो perceived impact है उसका पता लगाना, so that is evaluative research, मतलब evaluate करना research को, इसके perceived impact को पता लगाना। तो ए ऑप्शन जो है इसका एकदम करेक्ट आ गया, क्लियर हो गया ना सबको, ठीक है। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चन था रिसर्च एप्टीट्यूड के, हमने कर लिए हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और मेरे साथ पूरा पेपर वन और पेपर टू इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं प्राइस हाइक होने से पहले, मेरा कोड यूज करके सिमर10। Hopefully you will like that video. Take care. Bye.